एक सेकंड, हाँ तो बोलिए, अब बोलिए। जो मेरी लास्ट कंपनी के सीनियर थे उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि चेतन जॉब देख रहे हो? तो मैंने उनसे बोला हाँ सर देख हाँ तो रहा हूँ कि आप आ जाओ, वहाँ कितना पैकेज मिल रहा है। मैंने उनको बताया सर इतना पैकेज है। तो उन्होंने कहा मैं आपको 40% तक हाइक दे दूंगा, लेकिन वो काफ़ी डिस्टेंस दूर है, 1000 किलोमीटर। बट ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन काम कर रही है, मतलब काम पॉजिटिव। कर रही है, वाह, मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। जी, और मैंने उनको कई बार पहले भी बोला था सर देख लीजिएगा देख लीजिएगा, जब कभी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आ जाऊंगा आज। और फिलहाल उन्होंने, जबकि उस डिपार्टमेंट में वो नहीं है, दूसरे हाँ, डिपार्टमेंट के लिए जॉब है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ओ तो मुझे वाह, बड़ा पुराने अच्छा लगा। कंपनी से। वो जी पुरानी कंपनी से। तो फिर लाइक पुराना पुराने कंपनी अगर हम छोड़ देते, हमको कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता किसी को जी आजकल, है ना? सिर्फ जी बैक टू बैक नए एम्प्लॉय आते हैं। आपको याद रखा, आपको कॉल आप फ्रीक्वेंसी आपका, पर इतने दिन कोई कॉल नहीं आया। नाउ नहीं आया सी, था मैम, क्योंकि मैं आपका लास्ट मैं लगभग पिछले 4-5 महीने से मैं जॉब के लिए जो है, मतलब मैं CV अपने फॉरवर्ड कर रहा था, सर को भी बोला हुआ जी, मैं रेफरेंस में Naukri.com सब जगह कॉल आता था, इंटरव्यू भी हो जाते थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं अब मैं चेंज ही नहीं करता, अब मैं होप ऑन करने लगा। तो वो फिर वो कॉल आ गया सर का। भाई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन जी, और थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बेसिक ग्रुप आल्सो, क्योंकि हमारे एडवांस ग्रुप में तो मैजिक हो रहा है, हमारे एडवांस ग्रुप में तो मैजिक हो रहा है, लेकिन अब बेसिक में भी होने लगा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने मेरा सेशन इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू सम कैरियर इश्यू, राइट? यस नाउ मैम, देखो, एक हफ्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपको अपॉर्चुनिटीज अभी से आने लगे और आएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका फ्रीक्वेंसी अगर इधर रहेगा ना चेतन जी, देखो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे। अभी आपकी पुराने कंपनी से आपको कॉल किया विद 40% हाई, जी मैम वो 40% तक हाइक मुझे सैलरी दे रहे हैं और कह वाह। रहे हैं जब तक मैं हूँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आ जाओ। तो बस मैं काफी दूर है, तो मैंने अभी उनको हाँ ना कुछ नहीं बोला है, बस उनको बीच में रोक होल्ड करके रखा मैंने खुद। वो मुझको हमेशा होल्ड करते थे, इस बार मैंने उनको होल्ड कर दिया। फीलिंग गुड राइट ना, उनको यस होल्ड यस करके मैम, रखे। हाँ वाह, ऑसम, बहुत बढ़िया चेतन जी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। आप लोग ऐसे मैजिक ट्रिक हो तो मुझे सच में समझ में नहीं आता कैसे होता है। ये हालत है और बेसिक में, और एडवांस में कल क्या कर लोगे? जी।